नियमों की अनदेखी कर बिजली के टैरिफ बढ़ाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग, मध्य प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर हाई कोर्ट में यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने हाई कोर्ट में दाखिल कर बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने बगैर सुनवाई और दावे आपत्ति बुलवाए बिना ही बिजली टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर ली है। दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए बिजली के नए टैरिफ नियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने भारी आपत्ति दर्ज की है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष पीजी नाज पांडे और सदस्य रजत भार्गव ने इसको लेकर विद्युत नियामक आयोग को नोटिस भी भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि यदि विद्युत नियामक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो मामले में हाई कोर्ट में अब मनमाना याचिका दायर की जाएगी। 23 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों के विद्युत नियामक आयोग को कहा था कि आयोग को बिजली के रेट निर्धारण करने के लिए नए सिरे से दर निर्धारण के मापदंड तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आयोग को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने से 3 महीने के अंदर विद्युत अधिनियम की धारा 61 तथा राष्ट्रीय बिजली नीति को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारण करने के नए रेगुलेशन बनाए। लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बगैर मापदंड बनाए बिजली के रेट निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 21 दिसंबर को सार्वजनिक सूचनाएं भी जारी कर दी। आयोग की इस प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के अध्यक्ष पीजी नाज पांडे और सचिव रजत भार्गव ने विद्युत नियामक आयोग को नोटिस भेजा है। 24 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें देश के सभी रेगुलेटरी कमीशनों को ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो अपने नए ऑर्डिनेंस फ्रेम करें और जिनके ऑर्डिनेंस पहले से हैं और उसमें अमेंडमेंट करके और उसके बाद ही आगे सुनवाई करें। मध्य प्रदेश में 30 नवंबर 2022 को बिजली कंपनियों ने पिटीशन प्रस्तुत की जिसकी आयोग ने 6 दिसंबर 2022 को अपील एडमिट करके सुनवाई में लगा दी है और 23 जनवरी 2022 और 24 जनवरी 2023 को इसकी पब्लिक हियरिंग के लिए नियत की है। इसलिए याचिका में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि चूंकि ये जो याचिकाएं दायर की गई हैं वो जो सुनवाई हो रही है ओल्ड नियम के तहत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में नए नियम नहीं बनाए गए और संशोधन नहीं किया गया, इसलिए प्रक्रिया गलत है। अतः ये प्रक्रिया को विथहोल्ड किया जाए और रेगुलेटरी कमीशन को डायरेक्शन दिए जाएँ कि वो रूल्स अमेंड करें, उसके बाद याचिका या अपीलों की सुनवाई करें, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया।